नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे कि BSTC फीस रिफंड फॉर्म है जो कब शुरू होने वाले हैं, तो अब आपका इंतज़ार है जो खत्म हो चुका है, क्योंकि विभाग ने यहां पर लिंक जारी कर दिया है और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर ओके करके आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। और या आप टाइप करके देखना चाहते हैं तो ये टाइप करें। अब आपने अभी तक अगर है जो ये फीस रिफंड का फॉर्म नहीं भरा है, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे भरा जाएगा, तो चलिए बताते हैं आपको इस पूरे वीडियो में। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को भी आप लाइक ज़रूर कर दें। और चलिए अब शुरू करते हैं हम कैसे अपना BSTC फीस रिफंड फॉर्म है जो भर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको अपने किसी भी ब्राउज़र में, आप फ़ोन में भी ये कर सकते हैं, आपको टाइप करना है pre-DLED। तो आप यहाँ पर बस pre-DLED है जो देखिए लिखा हुआ आ चुका है, ये अगर आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके सामने खुलकर आने वाली है, बस इतना ही टाइप करना है आपको। और ये देखिए पहले नंबर पर जो वेबसाइट आई है यही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए मैं ओके कर देता हूँ इस पर। और इस पर ओके करने के बाद देखिए, आपके विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आपके सामने आ चुकी है। और आपने अभी तक ये नोटिस अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसे भी ज़रूर पढ़ लीजिए, इसके अंदर आपके जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रवेश में असफल रहे विद्यार्थियों को पंजीयन शुल्क राशि लौटाने बाबत। और यहाँ पर देखिए, आपके काफ़ी सारे यहाँ पर सवाल थे, उसमें से एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि सर हमारे बैंक अकाउंट हमारा खुद का नहीं है, हमारे माता का या फिर पिता का या फिर अपने भाई बहन का अकाउंट नंबर हम दे सकते हैं क्या? तो यहाँ पर आपके इस सवाल का साफ साफ जवाब दिया गया है। यहाँ से देखिए, आप अभ्यर्थी, अभ्यर्थी के माता या फिर अभ्यर्थी के पिता, इन तीनों में से ही किसी एक का ही खाता विवरण स्वीकार किया जाएगा। तो आपका अगर खाता नंबर नहीं है, आपका खाता नहीं है बैंक के अंदर, तो आप अपने पिता का दे सकते हैं, अपनी माता का दे सकते हैं, लेकिन इनके अलावा आप अपने भाई बहन चाचा इनका आप खाता नंबर नहीं दे सकते हैं। तो ये साफ साफ आपको यहाँ पर बताया गया है। चलिए चलते हैं वापिस ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर बताते हैं आपको कैसे आप अपना यहाँ पर फीस रिफंड फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, नीचे वाला ये कैंडिडेट लॉगिन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ओके करना है। और देखिए तो बताते हैं आपको, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स पर आप जब ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका BSTC 2020 रिफंड फॉर्म आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, बिल्कुल इसे आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अनिवार्य है रोल नंबर भरना, आपके जो भी यहाँ पर रोल नंबर है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं जितने भी है। और यहाँ पर दोस्तों आपको सीरियल आईडी दोस्तों आपकी यहाँ पर आपको पता होगा, जब आपने अपना रिजल्ट देखा था तो उस रिजल्ट के नीचे आपकी सीरियल आईडी आपको लिखी हुई मिल जाएगी उसी के नीचे। तो दोस्तों आपकी ये आपको यहाँ पर भरना है। रिजल्ट देखने का लिंक अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर चालू है, तो वहां पर जाकर आप सीरियल आईडी आपके पास अब अगर आपको याद नहीं है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका आपको नाम लिखना है तो बिल्कुल आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपना माता का नाम लिखना है तो यहाँ पर मदर्स नेम आपको लिखना है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, यहाँ पर देखिए दिन हो गया, यहाँ पर महीना, यहाँ पर वर्ष, और यहाँ पर जाकर आप ओके कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बस आपको इतना काम करना है यहाँ पर। और आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। और यहाँ पर चलिए मैं लॉग इन पर ओके करता हूँ और नया पेज आपके सामने खुलकर आता है। तो चलिए दोस्तों, हमने लॉगिन किया और इस पेज पर हम आ गए हैं। तो दोस्तों पिछली जानकारी है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर नहीं लिखी है, क्योंकि वो थोड़ी हाइड करना जरूरी होती है। मैंने वहाँ पर सारे मेरे रोल नंबर वगैरह लिख दिए हैं और उसके बाद लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर आ चुके हैं। लेकिन इस पेज पर आने के बाद मैंने यहाँ पर मेरी सारी जानकारी देखी, यहाँ पर मैंने नाम वगैरह, ये रोल नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं, ये नाम लिख दिया है, और ये यहाँ पर दोस्तों मदर्स नेम भी लिख दिया है, क्योंकि ये नाम है तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो पिछला पेज था दोस्तों, वहाँ पर जो हमने अभी अभी जो रोल नंबर वहाँ पर लिखे थे वो अब ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखे हुए आ गए हैं, नाम हमने जो लिखा था वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी तो हमने अभी अभी जो आपके सामने फिल की थी तो ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो गई है, और ये मदर्स नेम भी यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो गया है। और ये यहाँ पर दोस्तों एड्रेस वगैरह है, ये मैंने यहाँ पर फिल किया है, ये फादर्स नेम है जो यहाँ पर फिल किया है, ये एड्रेस गादूसरी, ये दोस्तों यहाँ पर अभी अभी मैंने लिखा है। और ये कुछ हाइड करने वाली, छुपाने वाली जानकारी थी जो मैंने आपके सामने अभी छुपा रखी है। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अपना एड्रेस लिखना है, आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर एड्रेस आपका
दो लाइनों में एड्रेस लिखना है तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। आपको अपना जिला यहाँ पर सेलेक्ट करना है कौन सा है, अपना पिन कोड यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका बैंक का जो IFC कोड होता है सभी को पता है, क्योंकि जिनका बैंक अकाउंट होता है उनकी जो वो पासबुक होती है उसके अंदर दोस्तों IFC कोड होता है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर लिख देना है जितने भी है, और यहाँ पर दोस्तों आपके अकाउंट नंबर, ये होती है मेन बात। ये दोस्तों अकाउंट नंबर आपको एकदम बिल्कुल सही से, अगर आपके पास अपना बैंक अकाउंट है तो दोस्तों अनिवार्य है तो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर आपको कन्फर्म एक बार फिर से यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना है तो लिख दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो पासबुक है, बैंक अकाउंट की पासबुक है, उसकी फोन से फोटो खींचिए और उसको दोस्तों काइन मास्टर या फिर कोई अन्य से आप है जो उसको स्कैन करके PDF फाइल बनाकर और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ पर दोस्तों आपकी कोई भी एक आइडेंटिटी आप आधार कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं, आधार कार्ड की फोटो खींचिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। बिल्कुल आसान है, आपको बस इतना ही करना है। और यहाँ पर जो आपने ट्रांजेक्शन किया था, ट्रांजेक्शन जो ID है दोस्तों, आपने जो 3000 रुपये कटवाए थे वो 3000 रुपये की यहाँ पर चालान नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समस्या ये आती है कि कुछ विद्यार्थियों की यहाँ पर दो बार फीस कट चुकी थी, एक बार उनकी जो फीस कटी थी वो मान्य नहीं हुई थी, एक बार फिर से कटी थी, तो दोस्तों उनको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है और अदर चालान नंबर पर ओके करके यहाँ पर, और वो अपना दूसरी फीस जो उनकी कटी थी वो भी वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक है जो आपको वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप है जो इसे को इस प्रकार से भर सकते हैं, और इसकी ऑथेंटिक जानकारी है जो दोस्तों जल्द ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी कर दी जाएगी कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर सारी जानकारी बता दी गई है कि किस प्रकार आप अपने BSTC 2020 की रिफंड फॉर्म का, जब फॉर्म शुरू होगा तो कैसे आप उसे अप्लाई कर पाएंगे, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी गई है दोस्तों, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आप भी जब इसका ऑफिशियल फॉर्म यहाँ पर चालू होगा, शुरू होगा, तो आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा कि इस प्रकार आपको इसका जो रिफंड फॉर्म है जो अप्लाई करना है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।